अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम TCL का एंड्रॉयड टीवी की अनबॉक्सिंग करेंगे। अच्छा, ये एंड्रॉयड टीवी 32 इंचेस की स्क्रीन के साथ है और काफ़ी ये स्मार्ट टीवी है, जिसमें आप लोग गूगल स्टोर से डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन है नेटफ्लिक्स वगैरह, यूट्यूब, और ये बिल्ट इन क्रोम कास्ट के साथ आता है। तो ये है कि ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, आप कोई भी चीज़ अपने फ़ोन से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट देख सकते हैं। बाकी ये तकरीबन अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो ये आपको अराउंड 40,000 रुपीज़ का पड़ता है, 39,000-40,000 रुपीज़ का, और काफ़ी अच्छा है। वैसे तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस, ओरिएंट, हायर और पेल, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी TCL इन सबसे बेहतर है। और तो अगर आप लोग एक अच्छा और बजट में स्मार्ट टीवी देखना चाह रहे हैं एंड स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी, तो आप TCL का टीवी ले सकते हैं। और इसमें आप 32 इंच, 40 इंच और 50 इंच की LED स्क्रीन के साइजेज़ आते हैं। तो अभी इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इस तरफ मैं आपको दिखा दूं कि ये देख सकते हैं आप, इसकी मार्केट प्राइस है ये, और इसका मॉडल है L32S5200। खैर, ये S5200 के नाम से ये मॉडल है। तो अभी इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और हम देखते हैं कि फिर क्या क्या चीज़ें हमें अंदर इसके साथ मिल रही हैं और कैसा टीवी है, चला के भी देखेंगे इसको। अच्छा गाइस, मैं अभी इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ, बॉक्स से निकाल लिया मैंने, और ये अभी टीवी है, इसको इसमें से निकालते हैं, साथ साथ देखते हैं क्या आता है बॉक्स में। अच्छा, बॉक्स में आपको एक वॉल माउंट ब्रैकेट आता है जो कि आप दीवार पर लगाने के लिए के साथ आता है। दूसरा एक ये कॉपर है जिसमें अगर देखें तो HDMI केबल है, और ये इसके थिंक लेग्स हैं जो कि हम नीचे अगर आपको खड़ा करना चाहें तो, अगर आपको स्टैंड पे रख के यूज करना चाहें तो आप ये लेग इसके इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और एक रिमोट आता है। अच्छा, रिमोट देख के मुझे काफ़ी हैरानी हुई है कि बहुत ही छोटा सा रिमोट है। खैर, ये स्मार्ट रिमोट है और ये नॉर्मल टीवी रिमोट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और छोटा सा रिमोट है। और काफ़ी छोटा सा रिमोट है, इसमें ज़्यादा फंक्शन नज़र नहीं आ रहे वैसे। और ये एक नेटफ्लिक्स का बटन है, गूगल असिस्टेंट का बटन है, बाकी वॉल्यूम और प्रोग्राम्स प्लस माइनस का। अच्छा, मेरे पास एक ओरिएंट का टीवी है लेकिन उसका रिमोट काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है जैसे नॉर्मल टीवीज़ के होते हैं, लेकिन इसका रिमोट मैं देख रहा हूँ तो बहुत ही कम बटन्स के साथ है। तो चलें, बाकी ये कुछ स्क्रू हैं आई थिंक, ये इसके को करने के लिए हैं, इसको फिक्स करने के लिए हैं। तो अब मैं आपको इसका स्क्रीन जब ऑन कर लेता हूँ फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं और चेक करते हैं कि कैसा इसका रिज़ल्ट है। सो गाइज, मैं अभी अपने TCL एंड्रॉयड टीवी का सेटअप कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं ये इसका होम मेन्यू है, और ये कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आई हैं इसमें पहले से, तो ये वो आ रही हैं। अच्छा, सेटअप करना कुछ मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है, उसके बाद आप रीजन सिलेक्ट करें पाकिस्तान, और आप फिर इजीली बाकी खुद ही ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और फिर मैं आपको एप्लीकेशन अच्छा दिखा रहा था, इसमें आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आई हैं, प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं ये, और TCL का चैनल है। अच्छा, TCL का ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी अमेजिंग है, इसमें आप लोगों को मूवीज़ वगैरह और ड्रामाज और बच्चों के लिए कार्टून वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये विदाउट सब्सक्रिप्शन है, मतलब इसके लिए कुछ आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, मैं सिर्फ इसके ऑप्शन पे गया हूँ इधर से मूवीज़ पे, और ये मूवीज़ ईजिली प्ले करके देखी जा सकती हैं, और काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ हैं इसमें। बाकी इस तरफ ऊपर डॉक्यूमेंट्री ड्रामाज वगैरह भी हैं, किड्स के लिए भी कार्टून वगैरह हैं। उसके अलावा देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, इस तरफ प्राइम वीडियो आ गया, TV, YouTube। अच्छा, YouTube भी चेक कर सकते हैं, स्क्रीन कलर YouTube पे आ गया हूँ मैं अभी, और कोई भी वीडियोस चला के देखते हैं साउंड क्वालिटी और कैसा म्यूज़िक और क्या इसकी। साउंड तो काफ़ी अच्छा ही है इसका, और नीचे की तरफ इसके स्पीकर्स हैं, दो स्पीकर्स हैं, बाकी कलर्स वगैरह भी मुझे इसके अच्छे लगे,
लेकिन अभी मैं वापसी की फ्लाइट लूँ कराची की, तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है ये। अगर आप लोग ओरिएंट और हायर वगैरह पैलकी वगैरह से हट के अगर कुछ चाहते हैं तो आप ये TCL का एंड्रॉयड TV ले सकते हैं। और इसकी बाकी फ़ीचर्स देखें तो बहुत से फीचर्स अच्छे हैं इसके। लेफ्ट कॉर्नर पे मेंशन किए हैं जैसे कि HDR पिक्चर क्वालिटी है, उसके अलावा गूगल प्ले है, गूगल प्ले सर्विसेज हैं इसमें सारी, आप अच्छी गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि गूगल प्ले स्टोर है, तो नॉर्मल जिस तरह मोबाइल वगैरह में करते हैं इसमें भी सारी गेम्स कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब ये तो है ही अच्छा। उसके साथ साथ इसमें क्रोम कास्ट की फैसिलिटी है, आप अपने फ़ोन से कुछ भी देखना चाहें तो फौरी और ईजली अपने मोबाइल के थ्रू उसको क्रोम कास्ट कनेक्ट करके आप अपनी स्क्रीन पर चला सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छे ऑप्शन हैं इसमें जो कि आजकल के सभी। उम्मीद है गाइस आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो अगर आप भी कोई स्मार्ट या एंड्रॉयड TV ख़रीद रहे हैं तो हेल्पफुल रहेगी कि कौन सा, अगर आप TCL की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या क्या इसमें फ़ीचर्स आपको मिल सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।